नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। और अब बात 14 अक्टूबर के इतिहास की। साल 1956, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 385,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। साल 1981, होस्नी मुबारक मिस्र के चौथे राष्ट्रपति बने। साल 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान समेत 22 देशों में अपने दूतावास बंद किए गए। और अब जिक्र भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर, बल्लेबाज और वर्तमान में भाजपा सांसद गौतम गंभीर की। आज ही के दिन साल 1981 में उनका जन्म हुआ था। पढ़ते हैं उन्हीं के लिए की एक बात। कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी होता है। आप नई चीजें आजमाते हैं, इस दौरान आप खुद को और भी बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये शब्द हैं गौतम गंभीर के। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।